ये रिश्ता क्या कहलाता है। भैया पहले उसके हाथ में कपड़ा बांधो, खून रोकना जरूरी है उसका। आरू ने इसे कहा था कि ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होने देना चाहिए, और आज देखो आरू के लिए करना पड़ रहा है। मैं आप उसको उठाते हैं, आप इस गाड़ी निकालो, जल्दी 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 करो। अक्षु के आने का वक्त हो गया है, पहुंचती ही होगी वो। मुझे बात करनी होगी, आखिर कब तक और कितना भागूंगी मैं। अरु 5 मिनट में पहुंच ही रहे हॉस्पिटल। कायरा बस पहुंचने वाले हैं। कायरा अक्षरा कहाँ, एक बार उसे फोन करके बता दे। अक्षु किसी काम से गई है बाहर, उसे फोन मत करिएगा, वो ड्राइव कर रही होगी, ये सब सुनेंगे तो परेशान हो जाएगी वो। हाँ मनीष जी, हॉस्पिटल जाने के बाद ही उसे इन्फॉर्म कर देते। नाका बंद है एंट्री। अरे सर एक्सीडेंट केस है, खून बह रहा है बहुत। अरे भाई आप भी देखिए तो सही, हॉस्पिटल में भी एक्सीडेंट हुआ है, आग लग गई है। आप लोग ये काम कीजिए, आगे जाके दूसरे हॉस्पिटल में दिखाइए। अब क्या करेंगे, सबसे नजदीक तो यही हॉस्पिटल था भाई साहब। बेटा आसपास जो भी नेक्स्ट हॉस्पिटल है उसमें चलते हैं। चलो चलो बैठो। आजा कायरव, एक बार चेक करो आसपास कौन सा हॉस्पिटल है। पारू हर 100 मीटर की दूरी पर है एक। हाँ तो वही लेके चलते, चलो चलो कौन सा हॉस्पिटल है। बिरला हॉस्पिटल, यहाँ से राइट। कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है आसपास। आरू बस पहुंच ही रहे हम लोग हॉस्पिटल। चलो कायरव जल्दी चलो। एक्सीडेंट, बड़ा लैंप गिरा है उसमें, बहुत डीप कट है और काफी खून बह चुका है उसका। संभाल के उसका हाथ संभालो। आरु कुछ नहीं होगा तुझे, आरु कुछ नहीं होगा। हाँ सोना नहीं है ना। सर जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए ताकि हम इनका इलाज शुरू कर सकें। कितना खून बह रहा है और आपको फॉर्म की पड़ी हुई है, प्लीज का इलाज करिए, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। डॉक्टर सर प्लीज शांत हो जाइए, हर हॉस्पिटल की अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती है जिसे पूरा करना कंपलसरी होता है। आप ये फॉर्म फिल कीजिए,
और उनकी चिंता छोड़ दीजिए और सर इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अरे पैनिक का मतलब क्या है तुम्हारा? ये एक्सीडेंट केस है, पहले फॉर्मेलिटीज नहीं, पहले पेशेंट इंपॉर्टेंट होता है। भरने दीजिए ना। अब जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी हम इनका इलाज शुरू कर सकेंगे। कोई अंधेर करती है। चलो चलो करो एक काम, डॉक्टर को भेजिए प्लीज। सर प्लीज शांत हो जाइए, समझिए हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जाने बिना उसका इलाज शुरू नहीं कर सकते। कोई गलत दवा दे दी तो और नुकसान हो सकता है। ये लीजिए, हो गया। अब तो आधे घंटे से भी ऊपर हो गया, कहाँ रह गई अक्षु? फोन करूं क्या? गाड़ी चला रही होगी, आती होगी। एक्सक्यूज मी नर्स, ये क्या बच्चे टाइप का डॉक्टर बुलाया है? ये कैसे संभालेगा? कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है, कोई सीनियर डॉक्टर बुलाइए। प्लीज सर हमें अपना काम करने दीजिए। एंड विलास में टॉप डॉक्टर्स हैं, मगर जहाँ जिसकी जरूरत है वही डॉक्टर आएंगे। आप लोग शांति से बैठिए, वैसे भी पेशेंट के हाथ से कांच वगैरह निकाले जाएंगे। ये कैसा बोल रही है? ऐसा बोले जैसे छोटा सा कांटा छुपा हुआ है, इतना सारा खून निकला है अरुई का, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसका, और ये आराम से बोले कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नीचे शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स है ना अंदर। आप प्लीज बैठ जाइए। नहीं जी आप बैठ जाइए, हमारे चलाने से कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाइए प्लीज। आरोही ठीक हो जाएगी। मुझे भी एक मिनट भैया। इस वक्त मैं इस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर हूं और आप एक पेशेंट के रिलेटिव। यहां पर कोई पर्सनल बात नहीं करते हैं, प्लीज। मैं जानता हूँ, मुझे ये पूछना था कि तुम हार्ट सर्जन हो और चोट उसके हाथ पे लगी। हार्ट सर्जन होना मेरी एक्सपर्टीज है, बट हार्ट सर्जन होने के साथ साथ मैं एक सिंपल डॉक्टर भी हूँ जो सर्दी जुकाम जैसी मामूली चीजों का ख्याल रख सकता है। हाथ पांव में लगी छोटी मोटी चोट एक्सीडेंट का टेक केयर कर सकता है। एंड डोंट वरी, अगर ऑपरेशन करना पड़ा या सर्जरी करनी पड़ी, वी विल कॉल एन एक्सपर्ट। और एक बात, जब मुझे पता चला कि आरोही का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं पर्सनली यहां आया ताकि उसके लिए जो बेस्ट हो सके वो करें हम, क्योंकि वो मेरी अक्षु की बहन है। मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज कोई सर्जरी प्लान नहीं है तो मैं घर पे ही रुकूंगी। दिवाली है, हो सकता है कि बर्न्स के केसेस ज्यादा आए, अगर ऐसा हो तो आप लोग मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। आई विल बी रेडी। ओके। वैसे ये मैडम क्यों ऐसे चुपचाप खड़ी है? सुबह से एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। मैंने कहिए कुछ बोले, अपनी दिल की भड़ास निकाले, वरना ऐसा लटका हुआ मुंह देखकर इनका बेटा और 10 बातें सुना जाएगा। नहीं, ऐसे ही जिंदगी में रो रो के बाप बेटे को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है इसने। कल इतना बड़ा कांड हुआ गोयनकास के यहाँ इसकी गलती की वजह से, मगर फिर भी ये अपना झांसी की रानी का एटीट्यूड दिखाने से बाज नहीं आए। हर्ष प्लीज जस्ट लीव इट, भूल जाओ कल की बात। हाँ, आज से इस घर में गोयनकास की कोई बात नहीं होगी, ये किस्सा खत्म। अब ना तो कल की बात होगी इस घर में और ना ही वो रिश्ता। और जहां तक मुझे पता है अभिमन्यु से अक्षरा प्यार नहीं करती, वरना इतना कुछ हो गया, कुछ बोलती तो सही, वो कुछ नहीं बोली। वो ठीक कह रहे हैं भाई साहब, अब बहुत हो गया गोयनकास,
बिरलास का गोइंकास के साथ कोई लेना देना नहीं। क्या हुआ? ऑल ओके? वो आरोही गोइंका का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। हमारे हॉस्पिटल में एडमिट किया है उसे। अभिमन्यु केस हैंडल कर रहा है। आई थिंक हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल चलना चाहिए। हाँ चलिए, मैं भी चलती हूँ। ना कुछ बता रहे हैं, ना मिलने दे रहे। पक्का भाई साहब, ये कल का बदला ले रहे मुझसे, हमसे, मेरी बच्ची से। ऐसा कुछ नहीं है अखिलेश, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उनका कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, ये हॉस्पिटल उनका है, डॉक्टर्स उनके हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। बेटा अभिमन्यु है ना, वो कुछ गलत नहीं करेगा और किसी को कुछ गलत नहीं करने देगा। उसी की वजह से हुआ है ना माँ, उसी की वजह से हुआ है ना, उसकी वजह से पूरे फसाद की जड़ है वो। प्लीज आप लोग शांति से बैठिए, वरना बाहर जाकर वेट करिए प्लीज। नहीं होंगे हम शांत, अरे अरे, और नहीं जाएंगे बाहर। ये क्या चल रहा है, क्यों तक चला रहे हैं आप? चिल्ला नहीं रहे हैं, अपनी बच्ची के बारे में पूछ रहे हैं कि उसकी तबीयत कैसी है। ये आपके हॉस्पिटल में ये भी मना है, स्टे लेकर आए आप कोर्ट से, इंसानियत मर गई है क्या? आपकी बच्ची से बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट्स एडमिट हैं इस हॉस्पिटल में, लेकिन उनके फैमिली वाले आपकी तरह तमाशा नहीं बना रहे हैं। और आप लोगों को अगर नहीं निकाला तो ये हॉस्पिटल चल नहीं पाएगा। प्लीज शांति से काम ले। शांति से काम ले, शांति तो देख ही ली थी इनकी कल। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ कहा आपने? क्या कमेंट मारा अभी? हे भगवान, प्लीज संभाल लीजिए आज, यहाँ भी और वहां भी। अरे आप प्लीज किसी स्पेशलिस्ट को बुलवाइए, अगर आपके पास नहीं है तो हम बुलाते हैं अपने अपने कॉन्टैक्ट से, लेकिन आप पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपका बेटा न जाने अंदर क्या टाइम पास कर रहा है। मेरा बेटा स्पेशलिस्ट है, इनफैक्ट इस शहर का वन ऑफ द टॉप मोस्ट सर्जन है, और उसने इससे कहीं ज्यादा क्रिटिकल केसेस हैंडल किए हैं, उन्हें सॉल्व किया है, इसलिए इस प्रोसीजर में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। वैसे भी आपकी जानकारी मेडिकल फील्ड और डॉक्टर्स में तो है नहीं ज्यादा, इसलिए आप अपनी बेटी को यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं और इलाज कराइए उसका। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप स्पेशलिस्ट को बुलवाइए। अगर आपको डॉक्टर अभिमन्यु पे भरोसा नहीं है तो उदयपुर में 50 हॉस्पिटल है, वहां जाइए, यहाँ पे तमाशा करने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज सब ठीक रहे भगवान, कल की तरह सब गड़बड़ ना हो जाए। हर्षवर्धन बिरला। आइए इंस्पेक्टर आरती, आइए। इंस्पेक्टर, यहाँ पे कोई लड़की का केस आया हुआ है। इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया है आपने यहाँ? आपको क्या लगता है हमने अपनी बच्ची को टॉर्चर किया है? तहकीकात कराएंगे आप उसकी? ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? हमने नहीं बुलाया है, ये एक रूटीन मैटर है। जी हाँ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? सर बार मीडिया आ गई है। क्या ये मीडिया को किसने बता दिया, या वैसे कम तमाशा हो रहा है कि न्यूज़ वाले भी आ गए हैं? इंस्पेक्टर देखिए, ये छोटा सा एक्सीडेंट है, आप प्लीज ये पुलिस केस वगैरह मत कीजिए इस पे। छोटा हो या बड़ा, हमें कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये कुछ सुसाइड केस है, हर्षवर्धन बिरला ने आपसे कुछ भी कह दिया और आप आ गए मुंह उठा के यहाँ पे हम पे केस करने के लिए। देखिए मिस्टर मनीष, आप बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, मैंने कहा ना ये रूटीन मैटर है। चुप करिए आप सब प्लीज, ये सही वक्त नहीं है, बंद करिए बड़े पापा। सर आप ही प्लीज। तुम ना जितना कम बात करो उतना अच्छा है, जब कुछ बोलना था तब तो चुप बैठे, अब यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही। आपकी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? अरे ये क्या बातें कर रहे हैं आप, ये हॉस्पिटल के मजाक के ये। Enough! आरोही की कंडीशन क्रिटिकल है, आई नीड टू फोकस। अगर किसी की आवाज है ना, एक आवाज आई, मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दूंगा। चलिए सब लोग बाहर जाके वेट करिए, चलिए। आई लव यू अभिमन्यु, बट आई एम सॉरी। अरे बोलो, बताओ सबको, बताओ तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करती हो जैसे मैं तुमसे करता हूं, बोलो।
सॉरी डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम ये क्या बोल रही हो? देखो उस दिन की बात अलग है। उस दिन मुझे पता है तुम्हारी फैमिली का प्रेशर था, आज हम दोनों की जिंदगियों का सवाल है। प्लीज सच तो बोलना पड़ेगा ना, सच बोलो। वही तो बोला। बकवास है। अरे वो बोलो जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारे दिल में है वो बोलो प्लीज। वही तो बोला मैंने अभिमन्यु, जो सच है वही तो बोला। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। नहीं मानूंगा मैं, कैसे मान लूं मैं? तुम दिन को बोलोगी रात है मैं मान लूंगा, तुम कुछ भी बोलो मानने के लिए मैं मान लूंगा। मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों नहीं मान सकते तुम? अगर मैं यहाँ सबके सामने आई लव यू बोल देती तो तुम मान लेते ना? तो जब मैं कह रही हूँ आई डोंट लव यू तो तुम क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे कैसे मानूं मैं तुम्हारी खोखली बातों को? तुम बताओ मुझे, तुम्हारी नजरें जो मुझे ढूंढती है क्या वो प्यार नहीं है? जब तुम मुझे देखती हो तुम्हारी सांसें बढ़ जाती हैं क्या वो प्यार नहीं है? मुझसे मिलना, मुझसे बात करना, मेरे साथ रहना तुम्हें अच्छा लगता है क्या ये प्यार नहीं है? आरोही की नजरें तुम्हें ढूंढती है क्या वो प्यार नहीं है? आरोही की बात तुमने अपनी माँ से करवाई क्या वो प्यार नहीं है? उसे कॉल्स करना, मैसेजेस करना क्या वो प्यार नहीं है? सीरियसली Now I know where this is coming from. नहीं, वो प्यार नहीं है, वो आरोही की गलतफहमी है। और वो गलतफहमी तुम्हें भी है। जैसे आरोही ने तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझ लिया, वैसे तुमने भी मेरी दोस्ती को प्यार समझ लिया भी मनी। I can't believe this. ना, ये तुम हो ही नहीं है, तुम्हारी जवान ही नहीं है। किसने बोला तुम्हें सब बोलने के लिए? किसने फोर्स किया है तुम्हें? कायरव ने बोला होगा। सर ने तो नहीं बोला, सर ने बोला है? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है और कोई क्यों मुझसे कुछ कहेगा? क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारा प्यार। प्यार कौन सा प्यार? कब मैंने कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कब मैंने ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? तुम इतने बड़े दिल के डॉक्टर हो, खुद के दिल का हाल नहीं समझ पाए तुम, जो इतनी बड़ी गलत फहमी पाल के रखी है। सही कहती है तुम्हारी माँ, अंत भला तो सब भला, और ये अंत तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। आज मैं अंत करती हूँ इन सारे कंफ्यूजन का, सारी गलत फहमियों का, सारे झगड़ों का, सच कह के। और सच यही है डॉक्टर अभिमन्यु बिरला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना कभी करती थी और ना कभी करूंगी। यही बात एक बार मेरी आंखों में देख के बोलो। नहीं करती डॉक्टर अभिमन्यु बिरला। अक्षरा गोयनका को उनके घर तक छोड़ आओ प्लीज। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू, नमस्ते।
मुझे माफ कर देना अभी। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। ये रिश्ता क्या कहलाता है।